हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है एक बार हमारे YouTube चैनल कोस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण पर। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने आपको समझाया था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर, डिग्री, लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस लेक्चर के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, क्योंकि यहां से सीबीएसई के पेपर में एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए सबसे पहले नंबर पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन में लिखा है, एक्सरसाइज नंबर 11.1 है ये, cos x dx और प्लस में cos y dy इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग dy by dx बनाएंगे। तो जब आप लोग dy by dx बनाएंगे तो आप इसको लिखोगे cos x, ये उधर जाएगा तो हमारे पास आएगा cos y, साथ में आप लिखोगे dy by dx इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर आप इसको ध्यान से चेक करो तो इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, एक ऑर्डर का है। अगर एक ऑर्डर का है तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, वन हुआ। उस सबसे बड़े ऑर्डर की पावर कितनी है, वो भी वन है, इसलिए सीधी सी बात है इसकी डिग्री भी क्या है, वन है। अब मुझे ये चेक करना है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तीन चीजें मैंने आपको समझाई थी, सबसे पहले इसका डिग्री वन है, बिल्कुल पास हो गया। फिर मैंने आपको बताया था वाई, वाई डैश और उनके हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव जितने भी आएंगे सबकी पावर वन होनी चाहिए, पावर भी वन है। तीसरी चीज y या y का फंक्शन dy by dx से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। देखो cos y dy by dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए बिल्कुल आप बोलेंगे ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन लीनियर है। ठीक है जी, सेम प्रोसेस हमें यहां करना है। आप इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस का एक्स वाई इंटू वाई, इस dx को उसके नीचे ले जाओ तो 1 माइनस का एक्स वाई, इसको लिखेंगे x, साथ में dy by dx किसके इक्वल आएगा, जीरो के। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, एक ऑर्डर का है, तो आप लिख सकते हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, वन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, वो भी वन है। लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये देखो ये y का फंक्शन है, इसके साथ मल्टीप्लाई, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y dy by dx के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब y dy by dx के साथ मल्टीप्लाई होता है तो बिल्कुल आप लिखेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसकी तरह चलते हैं। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव दो ऑर्डर का दिख रहा है, तो बिल्कुल आप लिखोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर दो है, उसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, उसमें सबसे बड़ी पावर वन है, तो इसलिए जो इसकी डिग्री है वो कितनी है, वन है। वाई और डीवाई बाई डीएक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन लीनियर है। अब इसके ऊपर चलते हैं। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव दो वाला है, इसकी पावर कितनी है, वन है, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो दो है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो वन है। फिर आपसे पूछता है लीनियर है कि नॉन लीनियर है, स्पष्ट दिख रहा है, मैंने आपको बताया था वाई डैश और उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उन सबकी पावर वन होनी चाहिए, यहां पे फोर है, और सेकेंडली चीज है वाई डी वाई बाई डी एक्स के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई है, तो बिल्कुल आप बोलेंगे कि सर ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है। ठीक है जी, अब इसके ऊपर चलते हैं। इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये वाला है, तो कितने ऑर्डर का है, दो का, तो बिल्कुल आप लिखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, दो है। सबसे बड़ी पावर कितनी है, वन है, तो बिल्कुल आप लिखोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, वन है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कहता है, फिर आपसे कहता है लीनियर है कि नॉन लीनियर है। आप देख सकते हो dy by dx का स्क्वायर है और साथ में y उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बिल्कुल हम बोलेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है जी, अब इसके ऊपर चलते हैं। तो पिछली बार की तरह सबसे पहले dy by dx बनाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा dy by dx किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है जी, तो इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, ये वाला, तो इसका ऑर्डर कितना है, वन है। सबसे बड़ी पावर कितनी है, वन है, तो बिल्कुल आप लिखोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री वन है, क्योंकि ये y का फंक्शन है, dy by dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बिल्कुल आप इसको लिखोगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास नॉन लीनियर होगी। ठीक है जी, तो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान से है, एक बार इसको ध्यान से देखना है, और इसके पीछे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपसे क्या कहता है, देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है वाई डबल डैश 3y का स्क्वायर प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। और यहां पे लिखा है कि जो y डैश है दिस इज इक्वल टू dy/dx। ठीक है, इतना मैं इनकी स्टेटमेंट लिखता हूं, आप फटाफट से अपने आंसर लिख के रख लीजिए और उसके बाद मैच करना कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में लिखा है y इज इक्वल टू px और फिर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और जहां पे जो p हमारे पास है वो dy/dx के बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9th है। क्वेश्चन नंबर 9th में हमारे पास है d2y/dx2 और इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस का dy/dx इसका स्क्वायर रूट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू dy/dx प्लस में स्क्वायर रूट में 1 प्लस में dy/dx का क्यूब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में है 1/x, फिर लिखा है d2y/dx2 इज इक्वल टू e^x। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है d2s dt2 इस सारे का होल स्क्वायर प्लस में 3 ds/dt का कितना है क्यूब और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीन हो रहे हैं, उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो y डबल डैश प्लस में 3y का स्क्वायर और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। आपसे बोलता है जो y डैश हमारे पास है वो किसके बराबर है, dy/dx के बराबर है। ठीक है जी, करें शुरू। चलो, जो y डैश है, y डबल डैश का मतलब है d2y/dx2, इसको लिखेंगे प्लस में 3, ये हमारे पास आएगा dy/dx का होल स्क्वायर प्लस में 5, दिस विल बी इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा। तो इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, 2, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो सीधा सीधा सा आप लिखेंगे इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, इसकी जो डिग्री है वो 1 है। फिर आपसे पूछता है ये बताइए लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें y डैश की पावर कितनी है, 2 है, तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, जितने भी डेरिवेटिव्स आएंगे सबकी पावर 1 होनी चाहिए। आगे चलते हैं इसके अंदर, अब इसको देखो इसका मतलब क्या है, y p का मतलब है dy/dx और इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर dy/dx का स्क्वायर और प्लस में 20 के, ऐसा लिखा है। फिर आपसे कहते हैं ये बताओ इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं y माइनस का x dy/dx, दोनों तरफ स्केयरिंग भी करेंगे इसका, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर dy/dx का स्क्वायर प्लस में 20 के, तो दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो, y माइनस का x इंटू dy/dx सारे का होल स्क्वायर, दिस विल बी a स्क्वायर dy/dx का स्क्वायर और प्लस में 20 स्क्वायर। तो बिल्कुल आप देख सकते हो जब आप इसको ओपन करेंगे तो dy/dx का होल स्क्वायर ही बनेगा और dy/dx जो है वो एक्सपोनेंट फ्री हो चुका है। अब आप देखिए इसका जो ऑर्डर है वो कितना आएगा, 1, क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, 1 है। उसके बाद आपसे पूछता है डिग्री कितनी है, डिग्री का मतलब सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है। फिर आपसे पूछता है लीनियर है कि नॉन लीनियर है, क्योंकि dy/dx की पावर 2 है और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो y dy/dx के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सीधी सी बात है कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। ठीक है जी, इसके बाद एक क्वेश्चन और था, उसकी स्टेटमेंट मैंने हटा दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा कमी पड़ा था जगह में। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट हमारे पास थी d2y/dx2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस का dy/dx। ठीक है, आपसे कहते हैं बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। ऑर्डर तो हम बता सकते हैं, ऑर्डर तो 2 है, लेकिन डिग्री के लिए हम लोगों को क्या करना है, डेरिवेटिव्स को एक्सपोनेंट्स फ्री करना है, तो उसके लिए आप स्केयरिंग कर दो। हम लोगों ने इसके दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया, तो जब आप इसके दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे तो 1 प्लस का dy/dx आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप क्या लिखोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो भी 2 है, और फिर आपसे ये कहता है ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है,
फिर कहते हैं लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ऑब्वियस सी बात है जब डिग्री एक से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, इसको सोच लिया होगा अब तक आप लोगों ने, क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे y माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब, इसके दोनों का स्केयर करो तो y माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर, इसको लिखेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब, ऐसा बन जाएगा। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, डी वाई बाई डी एक्स, तो स्पष्ट दिख रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो वन है। जब आप इसको खोलोगे तो dy by dx का स्क्वायर बनेगा और यहां पे dy by dx का क्यूब है, तो सीधी सी बात है इसकी डिग्री कितनी है, तीन है। फिर आपसे कहते हैं लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो स्पष्ट बोलोगे नॉन लीनियर है क्योंकि डिग्री एक से ज्यादा है, तो हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहां चलते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, दो, तो सीधी सी बात है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कितना है, दो है। अगर मैं डिग्री की बात करूंगा तो डिग्री कितनी है, वन, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, वन है। क्या वाई और डीवाई बाई डीएक्स आपस में मल्टीप्लाई है, नहीं है, तो सीधी सी बात है नॉन लीनियर, सॉरी पहले ही तो मिला, लीनियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, डी टू एस बाई डी टी टू, तो सीधी सी बात है इसका ऑर्डर कितना होगा, दो होगा, इसकी डिग्री भी कितनी होगी, दो होगी, सीधी सी बात है डिग्री एक से बढ़ गई है, और डिग्री अगर एक से ज्यादा होती है तो आप लिखेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आया, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। ठीक है जी, कर लेंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा, चाहे ऑर्डर का आए और चाहे डिग्री का आए। ठीक है, ऑर्डर डिग्री दोनों इकट्ठा भी पूछ सकता है, और कई कई बार पेपर में आपसे बोलता है कि दोनों का सम निकाल के दिखाओ, तो वो क्वेश्चंस भी हैं, दो तीन क्वेश्चन बोर्ड के हैं, वो भी आपको करवाएंगे अभी। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है डी टू वाई बाय डी एक्स टू सारे का होल स्क्वायर प्लस में कोस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 14th है, 14th में आपसे बोलता है y डबल डैश का क्यूब, फिर हमारे पास लिखा है y डैश का होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास लिखा है साइन ऑफ y डैश और प्लस का 1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन है 15th, इस 15th क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब, इस सारे की पावर 4/3, दिस इज इक्वल टू पी, और साथ में डी टू वाई बाय डी एक्स टू, ऐसा लिखा। ठीक है, तो आपसे कहते हैं इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपको ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अब तक तो लिख लिया होगा इसको सारा का सारा। इसको देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, दो ऑर्डर का है, तो सिंपल सी चीज है, आप लिखेंगे ऑर्डर दो है। फिर आपसे पूछता है डिग्री बताइए, तो सीधी सी बात है आप क्या बोलोगे, डिग्री क्या होगी, हमने आपको समझाया था अगर मुझे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालनी है तो उसके लिए सारे डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स और इसके हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स के पॉलीनोमियल की फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन ये तो पॉलीनोमियल नहीं बनाता क्योंकि ये तो कोस के एंगल के बीच में आ रहा है, तो हमने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन को आप खास ध्यान रखेंगे और लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। इस केस में जो हमारे पास डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। फिर आपसे कहता है बताओ लीनियर है कि नॉन लीनियर है, आप देख सकते हो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर एक से ज्यादा है, तो बिल्कुल हम लिखेंगे क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है जी, इसके ऊपर चलते हैं, इसको थोड़ा सही फॉर्म में लिख के देखो क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू सारे का क्यूब, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स सारे का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे साइन, फिर हमारे पास क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा ही है ना। तो भाई सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, दो ऑर्डर वाला, तो आप लिखोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2। फिर हम निकालना चाहते हैं डिग्री, डिग्री के लिए dy by dx के पॉलीनोमियल की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहां साइन के एंगल में है जिससे ये पॉलीनोमियल फॉर्म नहीं कर रहा है, और अगर ये पॉलीनोमियल फॉर्म नहीं कर रखा है तो आप सीधा लिखेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होगी,
फिर पूछता लीनियर है कि नॉन लीनियर है, स्पष्ट देखो इसकी पावर 3 आ रही है, इसकी पावर 2 आ रही है, तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं नॉन लीनियर है, ठीक है। तो ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास कैसी है, नॉन लीनियर है। अब इसके ऊपर चलते हैं, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे p कांस्टेंट है, ऐसा नहीं लिखा कि p dy by dx के बराबर है, अगर ऐसा होगा तो आपको लिख के देगा कि p is equal to dy by dx, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में दिया गया था, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो आप इसको लिखोगे, सबसे पहले देखो इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव दो ऑर्डर का है, तो सबसे पहले आप सीधी सी चीज लिखेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, दो हो जाएगा, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, दो है। फिर आपको डिग्री निकालनी है, डिग्री के लिए ये वाली जो चीज है ये एक्सपोनेंट से फ्री होनी चाहिए। एक्सपोनेंट से फ्री कब होगा, जब आप इसके दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो हमने इसके दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो जब आप इसके दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन प्लस में डी वाई बाय डी एक्स का क्यूब, इस सारे की पावर कितना आएगा, फोर, और यहां लिखेंगे तो पी डी टू वाई बाय डी एक्स टू, इस सारे की पावर कितना आएगा, थ्री, ऐसा बन जाएगा। इसका ऑर्डर दो था, तो ऑर्डर दो की सबसे बड़ी पावर कितनी है, तीन है। अगर इसकी सबसे बड़ी पावर तीन है तो आप लिख सकते हो इसकी डिग्री भी कितनी है, तीन है। अब डिग्री एक से ज्यादा है, जब डिग्री एक से ज्यादा होती है तो बिल्कुल हम कह सकते हैं दिस इज ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इस तरह के सवाल हमारे पेपर में आते हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसको आपको खास ध्यान रखना है, जब e रेस टू पावर dy by dx आएगा, cos में एंगल में आएगा, sin के एंगल में डेरिवेटिव आएगा, तो वहां पे डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती, क्योंकि डिग्री के लिए उस सारे को dy by dx और उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की पॉलीनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है जी। चलो अब हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 2015 के पेपर में आए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कई लोगों के धुए उड़े इसके अंदर और कई किताबों वालों ने भी इसको गलत किया, ठीक है। हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन थे, दो तीन क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सिंपल थे। पहले तो हम उसको लिख रहे हैं y is equal to x into dy by dx का क्यूब और प्लस में d2y by dx2। अगला है x into d2y by dx2, इस सारे का होल स्क्वायर प्लस में dy by dx सारे का होल स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। फिर आपसे कहता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू सारे का होल स्क्वायर, सारे का होल स्क्वायर माइनस में डी वाई बाई डी एक्स सारे का क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। इन तीनों का क्वेश्चन क्या था, इन तीनों का क्वेश्चन था फाइंड सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर और डिग्री के सम का बताओ क्या आएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑर्डर है और डिग्री है, आपको उन दोनों का सम बताना है, ठीक है। आप इसको निकालिए, इतना दो क्वेश्चन और थे उसको मैं लिख रहा हूं जिसमें दिमाग लगेगा, डी वाई डी एक्स और हमारे पास लिखा है डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब दिस इज इक्वल टू जीरो, और एक नेक्स्ट हमारे पास था डी वाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू इस सारे की पावर फोर बराबर जीरो। तो ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इनके अंदर हम लोगों को ऑर्डर और डिग्री बताना था कि इन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या है, ठीक है। और पहले तीन क्वेश्चंस के अंदर आपको ये बताना है कि उनका जो सम है उनका सम क्या है। ये वाले तो अब तक हो गए होंगे हम उम्मीद करते हैं। देखो इसका ऑर्डर कितना है, दो, बड़ी पावर कितनी है, एक, तो आप इसको लिखोगे इसका जो ऑर्डर है वो दो है, इसकी जो डिग्री है वो वन है, और अगर आपसे पूछा जाए इसका सम कितना है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो इसका सम है टू प्लस का वन, तो टू प्लस का वन कितना होगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है जी। इस पे चलते हैं, इसका ऑर्डर कितना है, दो है, डिग्री भी कितनी है, दो है, तो आप इसको लिख सकते हो ऑर्डर दो, डिग्री दो, और अगर आपसे सम पूछेगा तो टू प्लस का टू तो कितना हो गया, फोर हो जाएगा। इस पे चलिए, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, दो ऑर्डर का, तो ऑर्डर कितना है, दो, डिग्री भी कितनी है, दो, तो लिखो इसका ऑर्डर दो है, इसकी डिग्री दो है,
और अगर मैं सम निकालूंगा तो 2 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। अब इसको करने वाले लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं सही तरीका क्या है। आप इसका डेरिवेटिव करो, 3 आगे आएगा डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर, और डी वाई बाय डी एक्स का एक बार दोबारा से करो। अगर मैं उसका एक बार दोबारा से करूंगा तो डी टू वाई बाय डी एक्स टू बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूंगा तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, है ना। इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, इसकी जो डिग्री है वो 1 है, और अगर मैं उसका सम निकाल लूंगा तो वो 2 प्लस 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है जी, इस पे चलते हैं। जब आप इस पे चलेंगे तो 4 आगे आएगा डी टू वाई बाय डी एक्स टू, इस सारे की पावर 3। डी टू वाई बाय डी एक्स टू का डेरिवेटिव दोबारा से करेंगे तो डी थ्री वाई बाय डी एक्स थ्री, इस सारे की पावर 1 किसके बराबर आएगा, 0 के। तो बिल्कुल आप साफ देख सकते हो इसका जो ऑर्डर है वो 3 है, जो डिग्री है वो 1 है, और अगर मैं सम निकाल लूंगा तो सम 4 आएगा। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन 2015 के पेपर में थे, 2015 के पेपर में। ठीक है, एक बहुत अच्छी किताब है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा किस किताब में मैंने देखा था इसको पिछले साल, उन लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे कर रखा था। ये तो बिल्कुल आसान थे, कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में ऑर्डर डिग्री लिख के छोड़ देते हैं। अगर आप इसका सम नहीं करके दिखाएंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, फ्री फंड में नंबर कटवाने की जरूरत नहीं है, आपको सम करना आता है, आप उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए आपसे क्या कहता है। हमारे पास एक किताब ने इस क्वेश्चन को ऐसे कर रखा है, मैं आपको बताऊंगा इसका नाम भी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब दिस इज इक्वल टू 0। वो क्या कहता है, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसके दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, और साथ में क्या आएगा, dx। तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो dy by dx का क्यूब ऐसा बन जाएगा, और 0 का जो कांस्टेंट है तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अगर मैं अब देखूंगा इसका जो ऑर्डर है वो 1 है, इसकी जो डिग्री है वो 3 है, और अगर मैं इसका सम निकाल लूंगा तो वो 4 आएगा। आंसर तो बिल्कुल मैच करता है, लेकिन जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो हमें ऐसा कहा जाता है कि इसके बीच में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। इसके बीच में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आ रहा है, इसकी वजह से इसका ये वाला जो मेथड है वो सही नहीं है। आंसर तो बिल्कुल ठीक है, आंसर तो 4 ही आ रहा है, लेकिन आप कोशिश कीजिए इससे ना करें, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचेगा, और अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचेगा तो सीधी सी बात है डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बना सकते हैं जब उसके बीच में, जब डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बना हुआ माना जाता है जब उसके बीच में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है जी, तो सिंपल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वाले, आपके लिए सुपर चैलेंज है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मैं चाहता हूं कि कोशिश कीजिए आप इसको अपने आप से, और नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताना, जरूर आपको करके भी देंगे। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों आपको अपने आप से सोचने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डी टू वाई बाय डी एक्स टू प्लस में डी वाई बाय डी एक्स इस सारे की पावर 1/4 और प्लस में एक्स रेस टू पावर 1/5 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, एक क्वेश्चन हमारे पास और है। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको एक इसका ऑर्डर बताना है और एक आपको इसकी डिग्री बतानी है कि ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, उसमें लिखता है वाई टू रेस टू पावर 3/2 माइनस वाई वन रेस टू पावर 1/2 और माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह भी एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री और जिसका ऑर्डर आप लोगों को बताना है। ठीक है जी, तो आज से हमने ये नया सीरीज स्टार्ट किया है कि लेक्चर के लास्ट में हम आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे देंगे जो आप अपने आप से ट्राई करेंगे, थोड़े से हटके क्वेश्चंस होंगे जो आपको सोच के करने होंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको ऑर्डर डिग्री का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, लीनियर नॉन लीनियर का भी। यहां से पेपर के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है, हो सकता है 2 भी आ जाए। ठीक है, तो गलत नहीं होंगे, ऐसे हम कामना करते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए,
वीडियो में जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम लोग इस तरह का अच्छा वीडियो हर रोज आपके लिए अपलोड कर सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो उसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।